हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ वेरिएशन। इसके पहले वेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए थे, जिसमें मीन, मीडियन, वोट, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक, सारे कॉन्सेप्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड थे हमने कर दिए थे, कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन के रिलेटेड तीन टॉपिक्स देखेंगे। वो है इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ वेरिएशन, वो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन एंड मेथड्स ऑफ स्टडीइंग वेरिएशन। मेजर्स ऑफ वेरिएशन क्या है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मेजरिंग वेरिएशन को मेजर करने से क्या फ़ायदा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे, और इसके रिलेटेड क्या क्या मेथड्स है वेरिएशन को फाइंड करने के। मेथड्स पे, पर्टिकुलर मेथड्स पे हम अगले वीडियो से बात करेंगे, रेंज है वो सब जो भी है। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है और मेजर्स ऑफ वेरिएशन की क्यों जरूरत पर उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या है कि फाउंडेशन बनेगा जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई होना चाहिए क्वेश्चन कि ये पढ़ रहा था, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, तो हम इस वीडियो में वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस गिव्स अस वन सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा। हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी के रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, वो सारे जो थे एक ही वैल्यू, वन सिंगल वैल्यू ले लेते जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता, जैसे मीन, मीडियन, मोड या हार्मोनिक मीन, जो भी हम देते वो एक सिंगल वैल्यू था और वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता था। बट द एवरेज कैन नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अनलेस ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर अलाइक। जी, जो एवरेज है, मीन, मीडियन, मोड, जो भी है, वो कोई ऑब्जर्वेशन को, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को एडिक्वेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता। अनलाइक, अनलेस, अगर क्या हो कि सारी जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ है उसमें जो चेंजेस है बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे ऑब्जर्वेशन अलाइक है कि जैसे दिखते हैं। आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ये क्या बोलना चाहते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में उनके बीच में कितना डिस्पर्शन, कितना वेरिएशन है, कितना ज़्यादा वेरिएट हो रहा है, वो हमको डिस्क्राइब करना वो भी नेसेसरी हो जाता है। ऑल्सो इन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस द एवरेज वैल्यू मे बी सेम बट स्टिल देयर कैन बी वाइड डिस्पेरिटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दो या तीन डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं हम, ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उसका हो सकता है कि मीन सेम हो तीनों का, पर उसमें जो डिस्पेरिटी है, वेरिएशन है, वो बहुत ज़्यादा है। आप एग्जाम्पल से अच्छे समझ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें वेजेस दिए हुए, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी के पांच वर्कर का वेजेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहली फैक्ट्री में सबका देखो, यहाँ पे मीन क्या है 12,500, सबका मीन तो 12,500 है, पर आप अच्छे से देखो फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि जो पांच वर्कर उनको 12,500 की सैलरी मिल रही है, इसलिए हमारा मीन जो है 12,500 बिकॉज इजीली समझ में आ जाता है। फैक्ट्री बी में आप देख रहे हैं कि 12,500 के आसपास ही सबकी सैलरी है, किसी का 12,780 है, 540 है, 670 है, 290 है, तो इसका एवरेज 12,500 है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। पर आप फैक्ट्री सी का देखो, एक का 13,700 है, तो दूसरे का 11,500 है, फिर तीसरे का 30,800, फिर दूसरे का 10,700 है, और फिर 12,800। मतलब आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन और इस डिस्ट्रीब्यूशन में तीन में मीन तो सेम है, इसमें फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में जो हमारा वेज का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। पर आप जैसे फैक्ट्री सी के बारे में देखते हैं तो इंडिविजुअली जो सैलरी का फ़र्क है बहुत ज़्यादा है, भले मीन आप निकालेंगे तो 12,500 है, पर किसी के सैलरी तो 10,000 ही है, किसी की 12,500 से ज़्यादा 13,700 है, तो डिस्पैरिटी, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। एवरेज वैल्यू जो है वो एक सिंगल वैल्यू दिखाता है, पर वो वेरिएशन जो हो रहा है इंडिविजुअल बेसिस पे उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सो मेजर्स ऑफ वेरिएशन हेल्प अस इन स्टडिंग द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशन वेराई फ्रॉम वन अदर फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू। तो हमारा मेजरेशन क्या करता है, हमको मदद करता है ये जानने के लिए कि भाई कोई ऑब्जर्वेशन दिए, सेट ऑब्जर्वेशन दिया है, उसका ये मीन आ रहा है, और उस मीन से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल हमारा जो वैल्यूज़ है वो उस मीन से, उस एवरेज से कितना वेरिएट हो रहा है, कितना डिस्पर्स हो रहा है,
कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है वो हम मेजर्स ऑफ एरिएशन से जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम कर्व से भी एग्जांपल दिया है इसको और अच्छे से समझने के लिए, कि ये हमारा डायग्राम ए जो है वो कहता है कि रिप्रेजेंट, ये दो कर्व है, ये दो कर्व क्या कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है ये जो कर्व्स है, पर उसका मीन सेम ही है, विद द सेम मीन बट विद डिफरेंट वेरिएशन। आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएशन और इसमें वेरिएशन, कर्व्स में जो वेरिएशन है भले मीन सेम है पर वेरिएशन एक में ज़्यादा एक में थोड़ा कम है, वो ये बी ए डायग्राम दिखा रहा है। बी डायग्राम क्या दिखा रहा है कि रिप्रेजेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम वेरिएशन। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं पर उसका वेरिएशन तो सेम है पर मीन अलग अलग है, ये दिखा रहा है। और तीसरा डायग्राम सी में क्या हो रहा है कि रिप्रेजेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल मीन, मीन भी अलग अलग है और हमारा जो वेरिएशन है वो भी दो अलग अलग है, ये डायग्राम सी दिखा रहा है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर देयरफॉर इनसफिशिएंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। दे मस्ट बी सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड विथ अदर्स मेजर, के उन सबको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी किससे, के बीजे अदर मेजर्स से, जो मेजर वेरिएशन में हम जो पढ़ेंगे और उसके आगे भी बहुत सारा कुछ होता है। तो अ मेजर ऑफ वेरिएशन इज डिजाइन टू स्टेट द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल मेजर डिफर ऑन एन एवरेज फ्रॉम द मीन। ये हमने पहले ही बात की थी, उसको दोबारा स्टेट किया है कि मेजर वेरिएशन को डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है कि हमको वो दिखाता है अच्छे से कि भाई जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से और जो मीन है उसमें वेरिएशन कितना है, उसमें फ़र्क कितना है, कितना वेरिय हो रहा है, वो हमारा मेजर वेरिएशन को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन, के वेरिएशन मेजर करने की सिग्निफिकेंस, फ़ायदा क्या क्या है। मेजर वेरिएशन आर नीडेड फॉर फोर बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये मेजर वेरिएशन क्या है वो चार बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए हमको चाहिए होता है। टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, रिलायबिलिटी मतलब कि भाई एवरेज जो हमने मीन जो फाइन किया है वो कितना रिलायबल है, हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं, रिलायबिलिटी क्या है उस एवरेज की, वो हम मेजर वेरिएशन से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन जो है और जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लिखा ही है कि मेजर वेरिएशन पॉइंट आउट एज टू हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा, वो जो एवरेज है वो पूरे डेटा को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, कितने अच्छे से अपने आप को दिखा पाता है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन कम है तो एवरेज जो है वो क्लोजली रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यू, जो हमारा एवरेज होगा वो अच्छे से हमारे इंडिविजुअल वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। आप एग्जांपल से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फैक्ट्री ए का एग्जांपल और बी का एग्जांपल में क्या है कि वेरिएशन बहुत कम है इंडिविजुअल में, तो ये जो हमने मीन फाइंड किया है वो अच्छे से इस दोनों डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। पर जैसे अब सी की बात करें तो जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका मीन से वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये मीन रिलायबल नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। फैक्ट्री सी का जो मीन है उसमें क्योंकि वेरिएशन राज है तो द एवरेज इज़ नॉट टिपिकल, नॉट एक्यूरेट और रिलायबल, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है कि टू सर्व एज अ बेसिस फॉर द सेंट्रल ऑफ वेरिएबिलिटी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अनदर पर्पज ऑफ मेजरिंग वेरिएशन इज टू डिटरमाइन नेचर एंड कॉज ऑफ वेरिएशन इट्सेल्फ इन ऑर्डर टू कंट्रोल वेरिएशन इट्सेल्फ। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको मेजर ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं तो मेजर वेरिएशन फाइंड करने से हमको ये पता चलता है कि इसमें इतना वेरिएशन आ क्यों रहा है, उसका कॉज क्या है, नेचर क्या है कि इतना वेरिएशन हमको दिख रहा है किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, और हम उस कॉज को जान के फिर हम वेरिएशन को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पर्पज़ है मेजर ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए। तीसरा क्या है हमारा काम मेजर वेरिएशन का, मेजरिंग वेरिएशन का, तो कंपेयर टू और मोर सीरीज विद रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी, दो या तीन सीरीज या डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना कि भाई इसमें मीन देखा आपने फैक्ट्री ए और सी में ले लो, फैक्ट्री ए में और सी में मीन तो सेम है पर उसमें वेरिएबिलिटी में का फ़र्क है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का, तो हम वो कंपेयर करते हैं कि भाई क्या कंपेरिजन है, कितना वेरिएबिलिटी स्मॉल है लार्ज है, वो सब उसके लिए हम ये मेजरिंग वेरिएशन का यूज़ करते हैं, उसका काम लेते हैं। टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है मेजर वेरिएशन का, कि मेजर वेरिएशन क्या है कि दूसरे जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स है बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स है उनको फैसिलेट करने के लिए, उनको
ज़्यादा मददगार साबित होता है ये मेजर्स ऑफ वेरिएशन फाइंड करना। मैनी पावरफुल एनालिटिकल टूल्स इन स्टैटिस्टिक्स सच एज कोरिलेशन एनालिसिस, ये आगे हम जब खत्म होगा फिर स्क्यूनेस और उसके बाद करेंगे तो यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस भी आएगा, वो बहुत फ्यूचर वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है जो बहुत पावरफुल एनालिटिकल टूल्स है, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वो भी आएगा हमारा आगे, कॉस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा, वो सब के लिए हमको मेजर ऑफ वेरिएशन हमारा जो है वो हमको यूज़ होता है और उस पर डिपेंडेड है, उस पर बेस्ड है, आर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ वन काइंड और अनदर। तो वो सब जो है मेजर वेरिएशन पे ही बनाए हुए हैं ये जो पावरफुल एनालिटिकल टूल्स हैं। तो ये हमारा हो गया चार बेसिक यूज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएशन। अब लास्ट हमारा जो आज का हमारा जो है कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग वेरिएशन, ये वेरिएशन को स्टडी करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या हम इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे रेंज पढ़ेंगे, फिर द इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन हम पढ़ेंगे, फिर हम एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन पढ़ेंगे, फिर द स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ेंगे। तो ये चार चीज़ हम इस वीडियो सीरीज़ में मेजर्स ऑफ वेरिएशन के सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। तो वो आगे आगे वीडियोज़ आते जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइक करना पड़ेगा कि हमारे वीडियो को लाइक मिले, तो शेयर हो आगे भी पहुँचे, स्टूडेंट्स को मदद हो, फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी मैं वीडियोज़ ला पाऊँगा। जिससे अभी मेरी रेट कम है पर आप सब्सक्राइब जैसे ज़्यादा करेंगे मोटिवेशन मिलेगी, तो मेरी स्पीड वीडियो की स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी, तो आपको फटाफट कंटेंट मिलता रहेगा। और ये हमारे चैनल को आपको बताइए, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये सिर्फ ये एजुकेशन चैनल नहीं है, विथ फन है। तो आपने अभी मैंने रिलीज़ किया था बैनर काटा नेचुरल पार्क, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हो और बहुत सारे फन रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। तो यह चैनल ड्यूअल कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन है, शायद आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। सो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।